जिला द्वारका में लोगों में खौफ फैलाने वाले बदमाश आज खुद खौफ में हैं। द्वारका जिले के कप्तान डीसीपी शंकर चौधरी और उनकी टीम ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए कर रही है द्वारका को अपराध मुक्त। और मैंने चार्ज लेने के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि जो भी मास्टरमाइंड होगा, जो भी सपोर्टर होगा, वर्चस्व की लड़ाई तभी जीती जाएगी जब सिर्फ अपराध करने वाला नहीं, अपराध को शह देने वाला, सपोर्ट करने वाला, हार्बर करने वाला, चाहे वो कोई देखने में सफेद पोश आदमी ही क्यों ना लगे, हम उसकी तह तक पहुंचेंगे। देखिए हमारी खास पेशकश, जिला द्वारका ऑपरेशन व्हाट्सएप। फिल्मी पर्दे पर तो आपने सिंघम के किरदार को कई बार देखा होगा, लेकिन आज आपको हम रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ के सिंघम यानी डीसीपी शंकर चौधरी से मिलवाते हैं। लेकिन मिलवाने से पहले हम आपको जिला द्वारका का इतिहास बता दें। द्वारका दिल्ली देहात से सटा सीमावर्ती इलाका है। यहाँ दिल्ली के नामी गैंगस्टर अपने गुर्गों के साथ एक्टिव हैं। आतंक का पर्याय बन चुका नजफगढ़ इलाका भी द्वारका जिला में है। रंगदारी, लूट, मर्डर, डकैती जैसी वारदातों की यहाँ तूती बोलती थी। लेकिन डीसीपी शंकर चौधरी की अगुवाई में ऑपरेशन व्हाट्सएप चलाया जा रहा है, जिसका मकसद द्वारका जिले को भय मुक्त, अपराध मुक्त, जीरो टॉलरेंस करके यहां के नागरिकों को सौंपना है। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि ऑपरेशन वर्चस्व चला रखा है, जिसका बेसिक अर्थ ये है, वर्चस्व का मतलब कानून का एक अधिकार सड़कों पर, गलियों पर। और ये द्वारका जिला पुलिस माननीय कमिश्नर साहब के विजन को ट्रांसलेट करने में प्रयासरत रह रही है। हम रात दिन हम इस प्रयास को, इस विजन को ट्रांसलेट करने में कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ मुख्य आरोपी को पकड़ना ही नहीं, जो अन्य आरोपी बचते हैं, जिसको हम लोग पुलिस में लेफ्ट ओवर क्रिमिनल्स कहते हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। और पूरी भरसक कोशिश रहती है कि कोई भी अपराध में कोई भी छुपा हुआ आदमी या उसका साथ देने वाला आदमी अगर बच गया हो तो उसके ऊपर भी दबिश बनाई जाए और उसको भी पकड़ा जाए। डीसीपी शंकर चौधरी और उनकी टीम ने ऑपरेशन व्हाट्सएप के तहत एक के बाद एक दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों के साथ जान की बाजी लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। और इस ऑपरेशन व्हाट्सएप की कामयाबी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अपराधियों के परिवार वाले खुद पुलिस को कॉल करके अपराधियों के होने की सूचना देते हैं। हम आपको बता दें कि राजीव गुलाटी नाम का बदमाश, जो हत्या और शूट आउट में वांटेड था, ऑपरेशन व्हाट्सएप से घबराकर उसकी पत्नी ने खुद करवा चौथ के दिन पुलिस को कॉल करके बुलाया और अपराधी राजीव गुलाटी को पुलिस को सौंप दिया। अच्छा होता है कि जब भी ऐसी कोई अपराधी हमसे टकराए या हम उसको इंटरसेप्ट करें, तो हम तो चाहते हैं, जैसे राजीव गुलाटी के केस में आपने देखा होगा डॉली बब्बर के हत्याकांड में, वो बंदा खुद ही सरेंडर कर गया, अपनी बीवी से 100 नंबर की कॉल भरवाई। शायद उसने पुलिस का प्रेशर इतना फील कर लिया था। ये भी एक वर्चस्व की कामयाबी है कि लोग अब ये फील कर रहे हैं कि सरेंडर करना ज़्यादा बेहतर है, रादर कि जब हम उसको पकड़ें और वो अगर कोई फोर्स का इस्तेमाल करें तो हमारा रुख बड़ा क्लियर है, हम पर अगर हमला हुआ तो जवाबी हमला भी बड़ी सख्ती और कठोरता से दिया जाएगा। यही खौफ बदमाशों में पुलिस प्रशासन का होना चाहिए, जो इस वक्त उनकी आंखों में दिखाई देता है। द्वारका जिले में अब अपराधियों की खैर नहीं। जिले के कप्तान डीसीपी शंकर चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायर की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते नजर आते हैं आजकल डीसीपी शंकर चौधरी। अपराधियों की लगातार धरपकड़ से आज लोगों के लिए रियल लाइफ के सिंघम साबित हो रहे हैं डीसीपी शंकर चौधरी।
पुलिस की इस जाबाज कार्यवाही से आज द्वारका जिले के लोगों में राहत है। नई दिल्ली से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।